हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना सीखेंगे कि हम अपने किचन के जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, बनाना पील्स, उनको हम कैसे रीयूज करके अपनी गार्डनिंग में उपयोग करें, उनका कंपोस्ट बनाएं। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ दिखाएंगे। देखिए, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है ये बनाना पील्स, यानी फ्रूट पील्स, वेजिटेबल्स पील्स, जितने भी आपके पास हों, दाल के छिलके, जो हम लोग दाल भिगोते हैं। उसके बाद हमको चाहिए ये कार्बन के लिए कार्डबोर्ड के पीसेस। कार्डबोर्ड पीसेस जो है वो सूखा मटेरियल यानी ड्राई मटेरियल चाहिए। और दूसरा ऑप्शन होता है ड्राई लीव्स। कार्डबोर्ड की जगह आप ड्राई लीव्स भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन और दोनों भी मिला के हम डाल सकते हैं नीचे की एक लेयर। और उसके बाद हमको चाहिए होगा ये गार्डन साइल। अपनी गार्डन साइल, ये सूखा मटेरियल डालने के बाद हम गार्डन साइल की एक लेयर ज़रूर डालते हैं, क्योंकि बिना मिट्टी के किसी चीज़ का फर्मेंटेशन नहीं होता है। मिट्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद पहले से मेरी तैयार हुई कोई खाद, जैसे गोबर की भी खाद हो सकती है, काऊ डंग की सड़ी हुई खाद, या हमारी पहले की बनी किचन वेस्ट की कंपोस्ट अगर हो तो बहुत बढ़िया। और एक ज़रूरी मटेरियल होता है थोड़ा सा दही और गुड़। और गुड़ जितना ही पुराना हो और दही जितना ही खट्टा हो, पुराना हो, वो जो है उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया इसको डालने से डेवलप्ड होते हैं और मेरी फर्टिलाइजर जल्दी बन के तैयार होती है। और सबसे ज़रूरी एक डिब्बा पॉट चाहिए, किसी का भी हो। मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है, इसमें नीचे भी दो होल ज़रूर हों और इनके साइड में भी होल होना ज़रूरी होता है, और ऊपर ढक्कन में भी होल, जिससे कि इनमें चारों तरफ से एरेशन बना रहे, क्रॉस वेंटिलेशन रहे, हवा डिब्बे के अंदर जाती रहे, जिससे कि हमारी खाद जल्दी तैयार होगी। तो सबसे पहले हम डिब्बे में डालेंगे ये कार्डबोर्ड के पीसेस जो हमने लिए हैं, और सूखी पत्तियाँ, मैंने दोनों का उपयोग किया है, दोनों मैंने डिब्बे में डाल दिया। अब उसके बाद आप ये उसकी एक पतली सी लेयर जो है अपने गार्डन साइल की ज़रूर डालें। उसको डालने से जो सूखा मटेरियल है मेरा, उसको भी थोड़ा नमी मिलेगी और उसको भी सड़ने में मदद। उसके बाद हमारे जो पील्स हैं, जो मैंने इकट्ठा किया है किचन के रॉ मटेरियल्स, उनको डालेंगे। उनको ज़्यादा मात्रा में हम डालेंगे, कम से कम 2 इंच मोटी लेयर उसकी डालेंगे। फिर उसके बाद उसको डालने के बाद हम डालेंगे, ये देखिए मैंने सब डाल दिया है मटेरियल। फिर उसके बाद हम रॉ मटेरियल डालेंगे, अरे वो ड्राई लीव्स या कार्डबोर्ड के पीसेज उसके ऊपर से डाल देंगे कि वो उससे ढक जाए। और फिर उसके बाद हम वो जो दही गुड़ हमने लिया था, उसको हम मिला के और उसको भी थोड़ा थोड़ा हर लेयर के बाद ज़रूर डालेंगे। जब वो हर लेयर में होगा तो नीचे तक वो काम करेगा, अगर हम केवल ऊपर डालेंगे तो ऊपर ही होके रह जाएगा। उसके बाद हम फिर इसी तरह से, इसी क्रम से हम उसको डालते रहेंगे, एक लेयर पहले ड्राई लीव्स, फिर गार्डन साइल, फिर जो है हमारा जो मटेरियल है किचन वेस्ट का उसको डालेंगे, फिर उसके ऊपर वो जो बनी हुई खाद या गोबर की खाद डालेंगे, फिर उसके ऊपर से हम वो डाल के तब मेरी पूरी एक लेयर तैयार होगी। अब देखिए मेरा पूरा डिब्बा इस तरह से डालते हुए भर गया है,
ऊपर से मैंने गार्डन साइल से उसको कवर कर दिया है। अब हम उस पर देखिए, मेरे ढक्कन में भी होल है, हमने होल वाला ढक्कन अपने डिब्बे में अब कस के बंद कर दें। उसको बंद करके फिर इस डिब्बे को आप किसी जो है खूब सही से टाइट बंद कर दें और इसको हम किसी छाए वाली जगह में रखेंगे। अब मैंने डिब्बे को रख दिया है छाई वाली जगह। अब इसको हम कम से कम 2 महीना वेट करेंगे। मौसम के हिसाब से खाद तैयार होती है। कंपोस्ट गर्मी में जल्दी तैयार होगी, बरसात में और जाड़े में 2 की जगह 3 महीने लग जाते हैं। अब मेरी खाद तैयार, खाद को हम इस तरह से अपने प्लांट में यूज़ करेंगे, किचन वेस्ट। इससे दोहरा लाभ, एक तो मेरे किचन वेस्ट फेंका नहीं जाएगा और मेरे प्लांट्स भी खुश रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।